नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक समाचार नंबर वन। मैं हूं संतोष मंडल और इस वक्त मैं हूं आपको विदेश में यानी नेपाल में सतलोक आश्रम है ना, यहां पर मैं मौजूद हूं। और आइए मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, दिखाने कुछ अलग ही अंदाज आप देख रहे होंगे कैमरे में। ये कैसा आपको फील हो रहा होगा, अगल बगल का जो दृश्य आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में उससे ही पता चले कुछ अलग चीज है, कुछ अलग कीर्तिमान है। दोस्तों यहाँ मैं 7 बजे आया हूँ और 7 बजे आने के बाद मुझे कुछ अलग ही फील हुआ है। काफी एक्साइटेड हूँ, काफी खुश हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत लोग से मिल करके, श्रद्धालुओं से मिल करके, भगत जगत से मिल करके काफी खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। देखिए हमारे साथ कुछ भगत लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कहाँ से हैं, कैसे हैं। क्या नाम है आपका? अरुण दास। कहाँ से हैं आप? हम नेपाल से, सरलाई जिला। कौन जिला? सरलाई जिला। सरलाई जिला, अच्छा। सबसे पहले ये बताइए, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आप कब दीक्षा लिए? हम 2013 में नाम लिए हैं। तो आप जो इतनी कम उम्र में जो दीक्षा लिए, नाम लिए, ये लेने से आपके जिंदगी में क्या सब हुआ है? हमारा जिंदगी में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमने जो काल के लोक में चल रहे थे उसे हमसे बहुत मुक्ति हुआ। हमारा शारीरिक लाभ भी हुआ, मानसिक लाभ हुआ। जब पढ़ाई में नहीं तेज थे तब हम पढ़ने में भी तेज हो गए और बहुत कुछ लाभ हुआ हमें। तो अभी आप जगत पोस्ट पे हैं या भगत पोस्ट पे हैं? हम अभी भगत पोस्ट पे हैं। भगत पोस्ट पे आप जो भगत पोस्ट धारण किए, तो आप कितने लोगों को भगत बनाने का काम किए हैं, जरा ये बताइए पहले। हमने बहुत लोगों का भगत बनाने का काम किया। हमने गांव में पुस्तक और चारों ओर पुस्तक सेवा किए हैं, पुस्तक बेचे और समझाए हैं कि सब काल का पूरा जाल है, इसमें मत फंसो, ऐसा वैसा, मतलब कि बहुत किए और बहुत लोगों को भगत बनाए। अभी आपको मोच का पोम भी सही से नहीं आया, कि भक्ति का जानकारी आपको कहाँ से मिला, किस तरह से मिला, जरा हमको डिफाइन करिए। हमें भक्ति का मार्ग हमें वीडियो के मामले से और मतलब कि सोशल मीडिया के मामले से मिला है और हमारे जो आस पास में रहते हैं समाज। कितने ईस्वी में मिला है आपको, कब, कितना साल, कितना महीने पहले? हमें जब मैं 9 साल का था जब ही मुझे मिला है, जब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, हमें जब मैं देखा सुना तब मुझे ज्ञान हुआ कि ऐसा ऐसा है, तब हम उससे जुड़े। तो आप जब जुड़े तो आप अपने परिवार को कैसे फेस किए, कैसे संभाले, चूंकि जगत और भगत में बड़ा अनबन चलता है। जब हमारे फैमिली में तो सब मतलब कि मानते थे कि वो लोग गए तब हम भी गए उसके साथ। हमारे कौन गए पहले आपकी फैमिली में? मेरे फैमिली में सबसे पहले मेरे पापा गया, उसके बाद मैं गया, उसके बाद मेरा मम्मी और सब, फिर पूरा फैमिली गया। अभी पूरा फैमिली? हाँ, पूरा फैमिली गया। वाह क्या बात है, एकदम भक्ति में सभी लोग डूबे हुए हैं। हाँ, पूरा एकदम भक्ति। और परिवार में थोड़ा सा भी अनबन होता है क्या? नहीं, अभी कुछ अनबन नहीं होता है, एकदम पूरा शांति से खाते पीते और मतलब हमको लगता है कि अब आपका परिवार स्वर्ग बन गया होगा, एकदम सुखी से रहते। एकदम पहले बहुत झगड़ा होता था घर में, दारू पी के आता था, पापा तो मारता था मम्मी को, ऐसे अब कुछ नहीं होता है, एकदम पूरा सुखी परिवार रहता है। बिल्कुल, आप ये मासूम सा छोटा बच्चा के मुंह से अभी सुन रहे थे, परिवार में अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, कोई दारू शराब नहीं पीता है, यानी पूर्ण रूपेण आपका स्वर्ग बन चुका है परिवार। मेरा फैमिली एकदम पूरा स्वर्ग जैसा बन गया है, कोई कुछ नहीं होता है, एकदम शांति से रहते हैं और भक्ति करते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी मैसेज इन्होंने दुनिया को दिया है, इतनी कम उम्र में भक्ति का आ जाना जीवन में बहुत बड़ा माने रखता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसका जो पुण्य है, पूर्व जन्म का जो पुण्य रहा होगा इतनी कम समय में। अभी आप देख लीजिए, हमें ही देख लीजिए, 35 साल उम्र होने जा रहा है, अभी तक भक्ति का क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये छोटा सा मासूम बच्चे को आप कैमरे में देख रहे होंगे और भक्ति का जो रस इस पे चढ़ा है, हमें लगता है कि अब दुनिया में एक मिसाल, एक क्रांति, एक नई संदेश अब जाएगा और हम मानते हैं कि अब युवाओं में भी ये पहल होगी भक्ति का। तो आप, मैं आपसे पहला सवाल कहना चाह रहा हूँ कि आप युवा को किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं युवा को इस रूप में देखना चाहता हूँ कि अभी का युवा लोग कैसा है कि सब एकदम पूरा भक्ति नहीं करते, एकदम लड़कियां कुछ उसके चक्कर में पूरा फंसे रहते हैं, पूरा डूबे रहते उसमें, यानी कि लड़कियां लौंडिया के चक्कर में रहती है। हाँ, पूरा उसी में फंसे रहते, पढ़ता उड़ता कुछ नहीं है अभी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप भक्ति के मार्ग में जुड़िए और एकदम पूरा, आप भक्ति मार्ग में जुड़ने के बाद आपका बहुत लाभ होगा, पढ़ने में भी मन लगेगा, आप जो चाहते हैं, आप लक्ष्य है आपका, वो पूरा पूर्ण होगा। इसलिए आप पूरा काल जाल में मत फंसिए, आप संत रामपाल जी महाराज की किताब पढ़िए, उससे आप मोटिवेशन मिलेगा,
आपको, उसके बाद आप देखिए कैसा है वैसा है, तो फिर आप जुड़िए, फिर आप सुखी रहेंगे। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसके ये बातों को बता रहे, कितनी अच्छी नॉलेज इनके पास है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी नॉलेज होना कहीं ना कहीं ये माने रखता है और बड़ी बात है दोस्तों। वाकई में अभी ये सर छोटे भाई ने एक बात बताया कि मनीष कश्यप के तरह जो लोग ये लड़कियां के चक्कर में, लौंडिया के चक्कर में जाते हैं ना, उसका जीवन नरक में चला जाता है। और वाकई में चूंकि ये बात 110% सत्य है, ये जीवन में होता ही होता है। चलिए आपको मैं ये कहना चाहूंगा, और क्या सब लाभ हुए जुड़ने के बाद आपके जीवन में? मैं जुड़ने के बाद हमें बहुत लाभ हुआ। जैसे मैं, मुझे बहुत कर्जा था मेरे पापा, मतलब बहुत कर्जा था मेरे फैमिली के ऊपर, तो हमें कमाने वाला कोई नहीं था। तो उसके बाद बहुत दारू पीते होते थे, बहुत कर्जा हो गया था। मुझे पापा का एक बीमारी था हेपेटाइटिस बी करके, उसमें जान, मतलब इससे गुरु जी के जुड़ने के बाद मेरा पापा का पूरा बीमारी सब कुछ ठीक हो गया, बहुत लाभ हुआ हमें। उसके बाद हमें आर्थिक आमदनी भी हुआ, अभी हम लोग एकदम सुखी से रहते हैं। बिल्कुल, लास्ट मैसेज आप अपने युवाओं को, अपने बराबरी के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने बराबरी के युवा को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग आके इधर देखिए कैसा है, कुछ है, मतलब किताब पढ़िए, मोटिवेशन, मतलब जो मोटिवेशन स्पीकर लोग बताते हैं उससे भी अच्छा है, एक गुरु जी का किताब है जीने की राह है, वो पढ़िए और देखिए कैसा है, बुझिए, उसके बाद आप आइए। दोस्तों मैं, आप देख सकते हैं और भी हमारे साथ है, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू दास। कहाँ से हैं आप? सरलाई से। आप कब दीक्षा लिए महाराज जी से? 2018 में। 2018 में। अभी आपकी क्या उम्र है? मेरा 17 हो रहा है। 17। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है कार्तिक 6। कार्तिक 6। आप इतने कम उम्र में भक्ति का रस आप पर कैसे चढ़ा? जी अब ऐसा है कि आजकल का समाज में है ना, बहुत विकृति है, युवा सब आप मतलब के काम में बहुत ध्यान देता है और आध्यात्मिक तरह बहुत कम है। तो मैंने एक बार, मेरा छिमेकी में एक भगत था, उसके घर पे गया था, एक ज्ञान गंगा का पुस्तक दिया मुझको, वही मार्फत और वीडियो मार्फत मैंने गुरु जी का सत्संग सुना, उसके बाद नाम दीक्षा लिया मैंने। इतनी कम उम्र में आपको भक्ति ये हुआ, हमें कहीं ना कहीं लगता है पूर्व जन्म का पुण्य की वजह से। और आप एकदम आप अच्छी काम कर रहे हैं, करते रहिए और लोगों को भी समझाइए, लोगों को भी कल्याण करिए, चूंकि कल्याण का मार्ग यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, है ना। चलिए आपका क्या नाम है? सत्संग। कहाँ से हैं आप? सुधीर दास। कब आप दान दीक्षा लिए? पिछले वर्ष लिए हैं, 4 महीना पहले। 4 महीना पहले। आपके परिवार में और कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। सभी लोग? चलिए अभी मैं अकेले हूँ। सिर्फ अकेले? तो आप कैसे फेस करते हैं परिवार? देखिए परिवार में जो है थोड़ा परेशानी तो होता है फर्स्ट टाइम, जैसे कि जगत और भगत में गुरुजी भी बताते हैं आसमान धरती का अंतर होता है। जी, जी, सही बात। तो इस तरह मतलब भगत को परेशानी का फेस करना पड़ता है, उस तरह हम करते कर लेते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद है मेरे साथ, बिल्कुल बहुत अच्छे से फेस कर लेते तो हैं। अभी जब आपने दीक्षा लिया उसके बाद आपके जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुई? सर बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, अभी मुझे कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4 महीना हुआ है लगभग, लेकिन काफी बदलाव देख रहे हैं हम खुद के अंदर, जैसे कि बहुत सारा परेशानी आता था, अभी धीरे धीरे सब दूर हो रहा है। बिल्कुल, देखेंगे जितने भी युवा थे सभी के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी आप चाहते हैं अपने जिंदगी को बेहतर करना, इस लोक से उस लोक में भी आप चाहते हैं कि हम सुखी रहे, संपन्न रहे, एकदम आनंद रहे मेरा जीवन, तो आप भी जो है संत तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी से जुड़े और उसका ज्ञान ले, दीक्षा ले और जिंदगी को कल्याण करें। धन्यवाद।